हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है, ये वाला प्लॉट जो हमने परसिमन का अभी नया लगाया है, ये पूरा का पूरा भी खाली था। तो लैंड का यूटिलाइज करने के लिए और पेड़ों की ग्रोथ के लिए हमने डिसाइड किया कि हम इसमें इस बार थोड़ी सी सब्जियाँ लगाएंगे। थोड़ी सी क्या मतलब, पूरा 3 साढ़े 3 बीघा में लगाएंगे। तो हमने काम शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, हम लगा रहे हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग एक सैलेड होता है, मतलब सैलेड की तरह यूज़ होता है, जो बर्गर में, सैंडविच में, हॉट डॉग में, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है और सूप में भी यूज़ होता है। जैसे जो कोरियन, चाइनीज़, जापनीज़ सूप होते हैं, किमची में यूज़ होता है ये। तो उसकी खेती कर रहे हैं हम। तो ये हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा सब्जी लगाएंगे या जो भी है सैलेड लगाएंगे, तो रेगुलर इरिगेशन होगी, फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो क्या होगा कि इसके साथ हमारे जो परसिमन के न्यू प्लांट हैं, ये भी ग्रोथ करेंगे और जो हमारी लैंड है, लैंड का भी यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 साल तक हम आराम से अभी इसमें कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। थोड़ा इनकम के लिए भी ठीक रहता है ये। तो दोस्तों, पूरा तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी जो खेती है, इसके लिए पहले इस तरह के बेड तैयार किए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेड तैयार किया जा रहा है। और बेड के दोनों साइड पे, इस तरफ और इस तरफ, जैसे यहाँ पे लगाए, देख सकते हैं आप, एक पौधा इधर, एक पौधा इधर, ये हमने ट्राइंगल में लगाए हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं इनको। बाकी मौसम ख़राब है आज और बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दूं कि आजकल क्या कर रहे हैं हम। बाकी हमने अपने परसिमन, प्लम, पोमेग्रेनेट सब में फर्टिलाइज़र्स डाल दिए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र होगा वो कुछ टाइम बाद डालेंगे। तो देख सकते हैं, हमने बेड तैयार करके रखे हुए हैं। अभी लगभग 1.5 बीघे के करीब तो बेड तैयार हो चुके हैं। बाकी बेड अभी तैयार हो ही रहे हैं। तो आपके पास भी इस तरह की अगर बगीचे के बीच में खाली जगह है तो आप भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल या सैलड लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि बार बार इसमें हलाई होगी तो ये थोड़ी अच्छी नरम और भुरभुरी रहेगी। और जो हमारी नई प्लांटेशन होती है, पेड़ों को टाइम टाइम पे पानी मिलेगा और निराई गुड़ाई भी मिलेगी, जिससे पेड़ जल्दी से ग्रोथ करेंगे। तो आज देखिए, मेरी हेल्प करने के लिए मम्मी भी आ गए हैं। आज थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। वैसे मौसम ख़राब है, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं क्योंकि ये अभी अभी लगाए हैं हमने। तो ये था आज का व्लॉग। बाकी खेती से संबंधित सभी जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।